नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से सभी परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। यह कैंपेन जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। बच्चों के विद्यालय में न आने के कारण सभी शिक्षकों को कैंपेन से संबंधित बच्चों को ई पाठशाला में कराने एवं ग्रुप में साझा की जाने वाली गतिविधियों के लिंक भी शासन के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका अभिलेखीकरण भी सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से करना होगा। तो आज की वीडियो में हम 100 डेज रीडिंग कैंपेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, गतिविधियों के लिंक प्रथम व द्वितीय सप्ताह के और इसका अभिलेखीकरण या रजिस्टर कैसे बनाना है वह जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले शॉर्ट में 100 डेज रीडिंग कैंपेन क्या है वह जान लेते हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों से पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी संदर्भ में 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पठन अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। ध्यान रहे, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ही आप सभी निष्ठा 3.0 FLL की कोर्सेज कर रहे हैं। अब इस कैंपेन को 3 वर्ग समूहों में बांटा गया है। समूह 1, बाल वाटिका से कक्षा 2 तक। समूह 2, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक। और समूह 3, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। इन तीनों समूहों के लिए हर सप्ताह के दिन के हिसाब से गतिविधि दी गई हैं। प्रथम सप्ताह 10/1/2022 से 16/1/2022 तक था, जिसकी गतिविधि के लिंक आपने बच्चों को ग्रुप पर शेयर कर दिए होंगे। और अगर नहीं करे हैं तो आप दूसरे सप्ताह 17/22/2022 के लिंक के साथ उन्हें भी शेयर जरूर कर दें। अब सभी शिक्षकों को विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर गतिविधियों के लिंक शेयर करने के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों तथा प्रेरणा साथी को जागरूक करते हुए कोरोना काल में घर पर ही अधिक से अधिक बच्चों को अपेक्षित सहयोग करने के लिए प्रेरित जरूर करें और साथ ही साथ अभिभावकों के लिए संदेश को अधिक से अधिक प्रसारित करें। अब विभाग द्वारा जारी साप्ताहिक गतिविधियाँ देखते हैं। यहाँ पर तीनों समूह के लिंक दे रखे हैं, जिसमें से ज़्यादातर गतिविधियों के लिंक YouTube वीडियोस और रीड अलोंग ऐप की हैं। YouTube वीडियोस बच्चे आसानी से देख सकते हैं और रीड अलोंग ऐप आप अभिभावक प्रेरणा साथी को डाउनलोड भी ज़रूर करा दें। अब इसके अलावा स्टोरी वीवर के भी कुछ लिंक दिए हुए हैं, जहां पर आसानी से बच्चे कहानी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो डाउनलोड करके भी शेयर कर सकते हैं। स्टोरी वीवर से कहानी डाउनलोड करने से संबंधित कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और इन सब गतिविधियों की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस 100 डेज रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों का संपूर्ण विवरण आपको एक रजिस्टर में लिखना होगा और साथ ही साथ बच्चों की कुछ फोटोज वीडियोज को भी संकलित कर अपने ब्लॉग ग्रुप पर भेजना होगा। अब इस रजिस्टर को अलग अलग कक्षा के समूह के हिसाब से कैसे बनाना है वह मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि अभी यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। साथियों, आशा है कि आपको आज 100 डेज रीडिंग कैंपेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।